बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों आज हम आपके लिए वीडियोस कुछ लेके आए हैं। हमारे दोस्त हैं मदर साहब, उनके फार्म पर आए हैं और आज मदर साहब जो है ना वो आज हमको अपने फार्म का विजिट करवाएंगे और दिखाएंगे कि उन्होंने क्या क्या पाल रखा है। उन्होंने बड़ी अच्छी नस्ल, बड़ी प्यारी नस्ल पाल रखी है, जिसमें हीरा नस्ल का नाम आपने सुना होगा, बहुत फेमस है सील मुर्गों में, वो इन्होंने पाल रखी है। तो आइए चलते हैं मदर साहब के साथ और इनसे बातचीत करते हैं और देखते हैं। जी मदर साहब, हमें दिखाएंगे आपने कौन कौन सी चीजें रखे हैं। हाँ जी, दिखाता हूँ मैं। मेरे पास 3-4 साइज। जी जी, वो 4 माह के। जी जी, और ये 1.5 माह के। जी जी, और कुछ हैं परसों निकले 2 दिन के। जी जी, और कुछ हैं जो 10 दिन पहले। जी देखते हैं मदर साहब, ये उनकी ब्रीड है, उन्होंने खुद से ये ब्रीड तैयार की है। सारे ही वाइट, ये जरा एक को इसमें बीच में छोड़ा हुआ दूसरे कलर को वैसे ही देखने के लिए कि जगह जरा कम थी तो इसलिए इसको अंदर छोड़ा हुआ है। तो ये ब्रीड तैयार की है जी मदर साहब ने, इंशाल्लाह ताला देखते हैं कि अब ये आगे अंडे वगैरह देते हैं। 4 महीने और 20 दिन, 4 महीने 5 दिन का टाइम है इसका जी, इनकी डेट। देखें साइज, देखें इनका, ये देखें, ये माशाल्लाह से, ये देखें, ये मेरे आने की वजह से जरा डिस्टर्ब हो रहे हैं। ये देखें, ये देखें जी कितनी प्यारी नस्ल है ये, माशाल्लाह जी माशाल्लाह। सफेद सील की नस्ल है ये। आगे जब इसकी प्रोडक्शन निकलेगी तो फिर हम आपको दिखाएंगे। इसके लिए इनक्यूबेटर वगैरह सारा कुछ रखा है ताकि इसकी ब्रीडिंग प्रॉपरली ली जाए। ये दोस्तों अभी भाई मदर भी इधर ही हैं, अभी उनसे डिस्कस करते हैं कि ये कौन सी नस्ल है। लिए भाई मैं मदर, ये आप जरा बताइएगा कि ये कौन सी नस्ल है। ये इसे वाइट हीरा कहते हैं। जी जी, हीरा, ये मियां वाली की थी इसकी माँ। हाँ जी, और जो इसका वो मेल था बाप इनका, वो दूसरा था सिंधी वाइट। सही, उसका तो ये नस्ल कौन सी कहलाई जाती है। ये हीरा। सही है। तो ये कितनी एज के हो गए तकरीबन। ये 4 माह और 5 दिन के। 5 दिन के हो गए। तो अभी आप इनको आगे दोबारा इनक्यूबेटर से इनके अंडे बच्चे लेंगे। इंशाल्लाह लाजमी लेंगे, इसलिए इन्हें मैंने तैयार किया है। तो आइंदा 3-4 माह में ये अंडे देने शुरू हो गए, तो इनके बच्चे इंशाल्लाह फिर आपको दिखाएंगे, फिर इनकी ब्रीड आगे से आप लेंगे और फिर उसको आगे सेल आउट भी किया जाएगा। तो ये मतलब इसको इनक्यूबेटर के थ्रू करवाया जाएगा। हाँ जी। सही है। तो कितने एग का इनक्यूबेटर इनके लिए आपके ख्याल में सही रहता है। ये इसमें 6 मुर्गी हैं, तो मेरे पास है 150 एग वाला, वो ठीक है। यानी कि 150 एग का आप समझते हैं कि इनक्यूबेटर काफी होता है। हाँ, इनके लिए। हाँ, तो ये कारोबार कैसा है आपके नजदीक। ये बड़ा अच्छा है, ये बड़ा मार्केट अच्छा है, इसकी बड़ी डिमांड है। सील की वैसे भी है लेकिन वाइट हीरे की इसकी उससे ज्यादा है मार्केट, इसलिए मैंने ये रखे। पहले मैं दूसरी रखता था उधर, मैं दूसरे केज में आपको दिखाता हूँ। तो लेकिन जब से मैंने ये इनकी कीमतें देखी हैं, मैंने वो रखने छोड़ दी, अब मैं इसी पे काम कर रहा हूँ। तो मेरे पास पहले बड़ी ब्रीड अच्छी तैयार हुई थी, वो रानी खेत ये सब्जियों में सारी वो मर गई, तो तब उनके अंडे थे ये। तो अंडों से फिर मैंने ये निकलवाए 15 फरवरी को, ये निकले 20 जून। जी देखते हैं हम आगे आपके साथ चल के कि जो बाकी की आपने नस्ल तैयार की है उसको भी देखते हैं क्या है। ये इनकी माँ है, इसकी उम्र है तकरीबन 2.5 साल। तो ये मैं एक दोस्त से लाया था जब ये छोटी सी थी 2 माह की, तब से ये मेरे पास है। ये हीरा ये भी उसी नस्ल में से है, इसकी माँ वही थी और बाप कोई और था, बाप कोई और है इनका। तो
तो ये एक दोस्त के पास था उधर, ये बच गया बीमारी से, मैं लाया हूँ। अब ये जो बाकी मादा मुर्गी है उनके साथ से छोड़ा है, इनके भी बच्चे हैं आपको दिखाते हैं। तो ये दोस्तों ये है तकरीबन इसकी उम्र 1 साल है तकरीबन। ये अब इसके साथ मैं ले रहा हूँ, छोटे बच्चे अभी हैं मेरे पास 20-25, वो दिखाता हूँ आपको। ये दोस्तों उस मुर्गे के हैं, मेरी वो दूसरी जो है मेरे पास 3-4 मुर्गे हैं उनके साथ, ये जो ब्लैक मुर्गी है उसमें से है, बड़ी अच्छी है ये मादी। तो ये मुख्तलिफ साइज के हैं, इनमें से कोई 1.5 माह के हैं। मतलब भाई ये अभी कितनी देर के हैं? कोई वो जो छोटे हैं ना वो 1 माह के हैं, और ये जो बड़े हैं ये 1.5 माह जो ऊपर होंगे 5 दिन, ये 1 माह 20 दिन के हैं। तो खुराक में इनको क्या दे रहे हैं बेहतर इनके लिए क्या? खुराक इनको नेशनल फीड बाजरा गंदम भिगो के देता हूँ, एक टाइम वो देता हूँ, एक टाइम ये फिर नेशनल फीड है अच्छी है, कैल्शियम वगैरह भी डालते हैं पानी में। ये कैल्शियम वगैरह डाला हुआ आपने पानी में? हाँ जी सही, इनको देने के लिए। तो ये फिर उसके साथ इनकी सेहत वगैरह ठीक रहती है? हाँ जी बिल्कुल फिट रहती है। तो गर्मियों में इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है जरा गर्मी से? हाँ गर्मी तो है लेकिन अब बस अब क्या करें, गर्मी ज्यादा गर्मी है, ग्लूकोज डालता हूँ पानी में तो उससे कुछ ठीक है। जो है ये भी उसी मेल के, ये भी उसी मेल के हैं, तो ये अभी 2 दिन के हैं, कल ही निकाले इंक्यूबेटर से, आज इनको दाना पानी डाला है मैंने। इसमें से कोई है वाइट और कोई रेड है, और मादी जो बीच में एक रेड है, 2 ब्लैक है। तो मदर साहब इनको खाने में क्या दिया जा रहा है? इनको वही 14 नंबर नेशनल। दोस्तों ये फीड है जो मदर भाई इनको दे रहे हैं, तो ये ही ये खाते हैं, और साथ इनको कैल्शियम का वाला पानी वगैरह दिया जाता है सारा कुछ। तो ये मदर साहब ने जी फीड इनके लिए रखी हुई है यहाँ पे और तैयार की है बकायदा तौर पे, और ये नई ब्रीड तैयार कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला। उम्मीद है कि आप सब दोस्तों को ये वीडियो का काफ़ी मज़ा आया होगा। दोस्तों एक ही रिक्वेस्ट हमेशा मैं करता हूँ कि यार वीडियो आप लोगों के लिए मेहनत से बनाई जाती है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए करिए, उससे यार हौसला अफजाई हो जाती है कि यार कमेंट्स देने से हौसला अफजाई होती है कि लोग यार कमेंट्स कर रहे हैं देख रहे हैं तो रिस्पांस आ रहा है, तो बनाने को भी दिल चाहता है और मज़ा भी आता है फिर काम करने का। आप दोस्तों की सबकी गुजारिश है कि प्लीज़ इसको जो है वो सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स ज़रूर करें। मैं पहले भी अपनी पिछली वीडियो में भी बताता रहा हूँ कि यार कमेंट्स करने से ना बहुत सारी खामियाँ जो रह जाती हैं वो दूर हो जाती हैं और इंसान को अच्छा काम करने का मौका मिलता है। ये भी उसी वो मेल भैया और फीमेल जो है, ये 2 जो ब्लैक हैं वो 1 रेड है, उनके बच्चे हैं ये, ठीक है, और 4 वाइट भी हैं इसमें। 2 आस्ट्रलूब लेके आया हूँ अंडों के लिए, सर्दियों में इनके अंडे खाएंगे, वो मैं कल ही लेके आया हूँ, ठीक है। और इनमें जो है 4 वो मेरे पास वो ब्लैक शोल्डर पीकॉक हैं, उनके बच्चे हैं 4। ये दोस्तों ये देखें, ये कितने ही प्यारे और कितने ही खूबसूरत बच्चे ये मदर साहब ने अपने फार्म पे नई इनकी ब्रीड निकलवाई है। ये चूजों में चूजों के साथ चूजे रह लेते हैं, इसलिए वो मोरों के बच्चे भी बीच में शामिल हैं। जैसे कि ये देख सकते हैं आप, ये वाला बच्चा ये जो गया है ये मोर का है, ये भी मोर का है, वो एक इधर बैठा हुआ है। तो ये फिर इंशाल्लाह ताला फिर किसी रोज़ डिस्कस करेंगे इसको। लें दोस्तों इजाज़त दीजिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा, और चैनल को यार सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा प्लीज़।